देखिए बेसिक जो एनालिसिस है वो आपकी ओडिन या नेस्ट के चार्ट से ही हो जाएगी, लेकिन एडवांस लेवल की जो टेक्निकल एनालिसिस है जिसमें आप आगे और बढ़ते चले जाएंगे, जैसे कि अभी मैंने जो एनालिसिस की बात करी उसमें मैंने आपको ट्रेंड बना के ट्रेंड ड्रॉ करके दिखाया। इस तरीके से मार्केट को समझने की काफी सारी अलग अलग रणनीतियां होती हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको हम यूज करके मार्केट से प्रॉफिट बनाते हैं। बेसिकली 90% लोगों को लॉस होता है और 10% लोग ही कमा पाते हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि उनको नॉलेज नहीं मिल पाती है, पूरा ज्ञान नहीं मिल पाता है किस तरीके से उन्हें शेयर्स में ट्रेडिंग करनी है, किस तरीके से उनको बाय या सेल करना है। एक एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उनको एक तलवार लेके मैदान में भेज दिया जाता है बिना किसी नॉलेज दिए हुए। उनको किसी तरीके से कोई नॉलेज नहीं होती कैसे उस तलवार को चलाना है, किस तरीके से नहीं चलाना है। जब आपको कोई चीज नहीं आती है और आप उस काम को करते हैं तो जनरली 90% केसेस में हमें निराशा ही हाथ लगती है, और हमारे साथ वही होता है। उसकी वजह भी यही है, जो लोग इसको जुआ सट्टा बोलते हैं उनकी वजह यही होती है कि उनको नुकसान हुआ होता है। और नुकसान किस लिए हुआ होता है, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं होती है कि आपको शेयर मार्केट में या कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करनी किस तरह है। ये एक तरीके का बिजनेस है, और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप को मैं बताना चाहूंगा कि देखिए शेयर मार्केट और कमोडिटी मार्केट की जो अपॉर्चुनिटी है इसमें आपका स्कोप बहुत ही अच्छा है। आप इजीली मार्केट से 1 महीने में, ज्यादा नहीं बोलूँ तो 6 से 10% रिटर्न आप ले सकते हैं। अगर आप 6 से 10% रिटर्न की बात करें तो आपका पैसा जो है वो 1 साल में आप उस पैसे को दोगुना कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना आप वो पैसा नहीं कमा पाएंगे। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस जो आप करेंगे उसके थ्रू आपको पता चलेगा कि मार्केट का मूव किस साइड है, और जब आपको पता चलेगा कि मार्केट का मूव किस साइड है तभी आप उस साइड में ट्रेड कर पाएंगे और तभी आपको प्रॉफिट मिल पाएगा। उसके बिना आपका प्रॉफिट मिलना बहुत ही मुश्किल है, रेयर केसेस में। एक आपको आपने देखा ही है कि बिना टेक्निकल एनालिसिस के अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं इसका मतलब आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, और गैम्बलिंग में आपको पता ही है कि रिजल्ट्स जो है वो मोस्टली नेगेटिव ही निकलते हैं। अगर आपका काम कर रहा है तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, नहीं कर रहा है तो आपको लॉस मिल जाएगा, और लक हमेशा काम करता नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि जब भी आप ट्रेडिंग करें शेयर मार्केट या कमोडिटी मार्केट में, जब भी आप अपना निवेश करें तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि निवेश करने के साथ आपको चार्टिंग भी सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना चार्टिंग सीखे, बिना एनालिसिस सीखे आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका पैसा खतरे में है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जर्नली जब आप अकाउंट ओपन कराते हैं उसके बाद आपको काफी कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो नंबर होता है वो एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है, और जब आपका नंबर एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है तो आपके पास अलग अलग लोगों की कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि हम आपको टिप देंगे, हमारी टिप पे आप काम कीजिए, हम लोग एडवाइजर्स हैं, हम लोग एडवाइस करते हैं, हम लोग लोगों को प्रॉफिट कराते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले तो इस तरीके के लोगों के चक्करों में ना फंसे, क्योंकि आज के टाइम में कुछ नहीं बहुत ही ज्यादा लोग ये काम कर रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बना के उनके पैसे का नुकसान करा देते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको किसी भी टिप एडवाइजर की एडवाइस नहीं लेनी है, और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं और आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है कि आप टेक्निकल एनालिसिस करें, तब आप किसी भी एनालिसिस जो कर रहा है बंदा उस बंदे की कॉल्स आप देख सकते हैं, और उसकी कॉल्स को आप रीड करके अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आती है तो आप
आराम से उस चीज को समझ जाएंगे कि ये कॉल जो है वो टेक्निकल है या नहीं है। और अगर वो कॉल टेक्निकल आपको लग रही है, तब आपको थोड़ा इस चीज पे विश्वास होगा कि जो बंदा आपको कॉल दे रहा है वो एक जेन्युइन बंदा है। देखिए मित्रों, अपना पैसा नुकसान करने से अच्छा है कि आप उस पैसे को गरीबों को दे दें, क्योंकि उससे आपको भी खुशी मिलेगी और शायद वो गरीब उस पैसे से कुछ अच्छा कर पाए। क्योंकि ऐसे लुटेरों को पैसा देने और चोर लोगों को पैसा देने का कोई फायदा नहीं है। आपका जो आपने इन्वेस्ट किया है वो पैसा भी चला जाएगा, और जो पैसा आप उनको देंगे वो पैसा तो आपने गवा ही दिया। मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी भी शेयर करना चाहूँगा। इस स्टोरी में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक रियल स्टोरी है जिसमें मुझे एक दिन एक कन्या का फोन आता है और वो मुझे बोलती है कि वो एक एडवाइजरी फर्म से है और वो टेक्निकल एनालिसिस करके कॉल्स जनरेट करती हैं, और अगर मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं उनकी टिप ले सकता हूँ, और उनकी टिप लेके 50,000 रुपये निवेश करके 50,000 रुपये एक महीने में कमा सकता हूँ। मैं बड़ा ताज्जुब में हुआ उसकी बात सुन के, और उसने मुझे बोला कि हम आपको एक दिन का ट्रायल भी देंगे, अगर उस ट्रायल में आपको प्रॉफिट होता है तो आप तुरंत पैसे जमा कर दीजिएगा और अगले दिन से ही आपका नेक्स्ट ट्रायल, नेक्स्ट जो सब्सक्रिप्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने उनको बोला कि मुझे एक दिन में ट्रायल पता नहीं पड़ेगा, एक कॉल में मुझे नहीं पता चलेगा कि किस तरीके से आपकी सर्विसेज हैं, उसके लिए आप मुझे कम से कम 4 कॉल्स तो दे दीजिए। बड़ी मुश्किल से वो लड़की राजी हुई 4 कॉल देने के लिए, और उसकी एक कॉल जो मुझे पहली कॉल मिली उसमें मुझे वाकई प्रॉफिट हुआ। उसके बाद उसकी जो 3 कॉल्स थी, तीनों की तीनों कॉल्स में लॉस हुआ, और जब मैंने उस लड़की का फोन ट्राई किया तो वो फोन स्विच ऑफ था। एक दिन बाद वो फोन मिला, मैंने उसको दोबारा से कॉल किया, उसने फोन पिक नहीं किया। 20 बार कॉल करने के बाद भी उसने मेरा फोन पिक नहीं किया। अचानक कुछ दिन बाद वो फिर से मुझसे टकराई और उसके बाद वो मुझसे बोली कि सर सॉरी, अब मैं आपको प्रॉफिट कराऊंगी, तब मैं आपको नहीं करा पाई और मैं फोन आपका पिक नहीं कर पाई, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने उसको बोला कि मैं भी एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ और मैं भी कॉल देता हूँ। तो अचानक वो लड़की मुझसे बोल दी कि मैं आप मेरे को कॉल दीजिए, मैं आपके टेस्ट पे काम करना चाहती हूँ। तो मैंने उसे कॉल्स दी ऐसे ही धीरे धीरे। एक दिन मैंने उससे पूछा कि आप मुझे बताइए कि आप किस तरीके से कॉल्स जनरेट करते हैं और कौन सी एनालिसिस आप करते हैं, टेक्निकल फंडामेंटल, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं उसे सिखा पाऊँ, अगर उसकी कुछ कमी रही हो तो जिससे उसका भला हो सके। लेकिन जो बात उसने मुझे बोली वो बहुत ही चौंकाने वाली थी। उसने कहा कि हम कोई भी एनालिसिस नहीं करते हैं, मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ उस कंपनी में 6 लोग काम करते हैं और हम 6 के 6 लोगों का 1 लाख रुपए हर महीने का टारगेट है, वो टारगेट पूरा करने के बाद मुझे 30,000 रुपये तनख्वाह दी जाती है, और उस टारगेट को पूरा करने के लिए मैं 2 लोगों को चुनती हूँ डेली और 2 लोगों को कॉल्स देती हूँ, बाय की और सेल की। एक एक लोग एक जने को मैं बोलती हूँ कि बाय करिए, एक को मैं बोलती हूँ कि सेल करिए। जिसको प्रॉफिट होता है उसका वो फोन करके उनको बैंक डिटेल्स देके उनसे पैसे जमा करवाते हैं, और जिनको प्रॉफिट नहीं हो पाता उनके फोन उठाने बंद कर देते हैं। इस तरीके के प्रोवाइडर्स जो हैं वो इस दुनिया में अवेलेबल हैं। तो सबसे पहली बात मैं यही कहूंगा कि देखिए, टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो समझिए कि आप किसी की कॉल ले लीजिए, आप खुद से ट्रेडिंग कर लीजिए, उसमें प्रॉफिट नहीं निकल के आएगा। और जब प्रॉफिट नहीं निकल के आएगा तो ऐसा बिजनेस करने का कोई भी फायदा नहीं है जिसमें आपको प्रॉफिट ही नहीं मिल पा रहा है। तो मेरी आपसे ये छोटी सी गुजारिश है कि आप सबसे पहले देखिए, आप अगर पैसे खर्च नहीं भी करना चाहते हैं तब भी इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, इवन हमारी वेबसाइट के ऊपर एनालिसिस के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट से जुड़ सकते हैं और आप फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अगर आप बिना टेक्निकल एनालिसिस के करेंगे तो कुछ फायदा होने के चांस नहीं है। धन्यवाद।